का दौरा कर रहा, तहसीलदारी के लिए दौरा हो रहा, राजेश वर्मा के यहाँ गया सोना का ढेर दिया होगा, उसके यहाँ क्यों? बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है, और ये आरोप लगाया है बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर। उन्होंने कहा है कि भागलपुर आकर तहसीलदारी करते हैं तारकिशोर प्रसाद, क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, वो सुनिए। तो नहीं देखे प्रेम है, रोहित पांडे को नहीं खोजा, लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के यहाँ भोजन किया, वैसे अहिर गरों के लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग किया। उनके मन में क्या चल रहा था, क्या चल रहा है तो उनसे पूछिए ना। आप तो बड़े लोग हैं, यहाँ से तार जोड़िया फट लग जाएगा, वहाँ जवाब देना पड़ेगा। काहे एनडीए में दरार आएगी, एनडीए मजबूत है, एक आदमी के खिलाफ में बोलने से दरार आती है। हमारे उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जगह पोस्ट ले लिए हैं, गलत सही कर रहे हैं, जगह जगह जाके गलत संगठन तैयार कर रहे हैं। लगातार भागलपुर दौरा हो रहा है उनका, झूठ मूठ का दौरा कर रहा है, तहसीलदारी के लिए दौरा हो रहा है। राजेश वर्मा के यहाँ गया सोना का ढेर दिया होगा, कहा उसके यहाँ क्यों भोजन करेगा भाई। ज्वेलर्स कोनो साधारण नहीं है, इनका कहाँ कहाँ जेवर बिकता है, सोना बिकता है, पता है कलकत्ता में दुनिया भर यहाँ वहाँ सब जगह। उनको एक ढेर उठा के दइए देगा आधे किलो का सोना तो क्या घट जाएगा, कुछ को नहीं। नेतागिरी छोड़ के क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं क्या? कौन उप मुख्यमंत्री जी? अरे उप कितना बुलवाइएगा, बिजनेस नहीं धुरगुनी करना चाह रहे हैं, पैसबो ऐठे आ पदबू रखे। उनके साथ रहे थे इस बार भी, उनके साथ बंटी ज्यादा मालदार आदमी है, मालदार आदमी को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू खोजते है, बैठाते है गाड़ी में, जो पैसा वाला आदमी नहीं बोले तहसीलदारी करता है। तो आपने सुना गोपाल मंडल को, जो कि जेडीयू के विधायक हैं और अक्सर ही अपनी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा आरोप बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैं जीता हुआ विधायक हूं, हमसे मुलाकात नहीं करते हैं, मगर विरोधी खेमे के जो नेता हैं उनके घर जाकर के खाना खाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और एक गलत संगठन जो है वो तैयार करने में तारकिशोर प्रसाद जुट गए हैं। उन्होंने कहा है कि तहसीलदारी करने के लिए भागलपुर आते हैं, यहां तक उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में वो भी एक बड़ा कदम जो है वो उठा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। जिस तरीके से जेडीयू विधायक ने सवाल उठाए हैं, अब इसको लेकर के शीर्ष नेतृत्व क्या कुछ कहता है, क्या कुछ उनके तरफ से प्रतिक्रिया आती है, इन तमाम खबरों से हम आपको जोड़े रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।